कोरोना वायरस की जांच हम कैसे करें, मैं प्रोफेसर डॉक्टर राम इसके बारे में साधारण जनता को बता रहा हूं कि वह कहां जाए, दिल्ली में, गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, या दिल्ली से लगने वाले नोएडा या उत्तर प्रदेश के भागों के लिए, तथा दूसरे देश के प्रदेशों के लोगों को कहां जाना चाहिए। इसकी जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत होती है, जो हम नाक और गले से स्वाब लेकर हम इसका टेस्ट करते हैं। ये लैब बहुत कॉस्टली होती है और इसको बनाने में लगभग 1 करोड़ रुपया लग जाता है, इसलिए ऐसे लैबों की संख्या बहुत कम है। और ये जो लैब होती हैं, इनमें जो किट आती है वो लगभग 100 किट के लिए 80,000 रुपये, लगभग 8,000 रुपया लगता है, इसलिए प्रत्येक टेस्ट के लगभग 800 रुपया का खर्चा आता है। मगर इसमें जो किट व्यवहार में लाई जाती है उसको यूएसए की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट प्रूव करता है, या फिर EUA द्वारा अनुमोदित होती है। वही किटों को ICMR हमारे देश में, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर है, वह विश्व स्वास्थ्य संगठन से, यूएसए से उसको इंपोर्ट करता है और फिर अपने जो लैब होते हैं उनको देता है। इस समय ICMR ने बताया कि 119 लैब ऐसी मौजूद हैं गैर सरकारी के रूप में। इसमें से 14 लैब अभी पूर्णतः कार्यतः नहीं है, क्योंकि वहां किट नहीं पहुंच पाई है। सरकार ने प्रायः प्रत्येक प्रदेश के अंदर ये चेष्टा की है कि इस तरह की कम से कम एक लैब, या बड़े प्रदेश में 3-4 लैब हों। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर ये लैब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, आर्मी हॉस्पिटल रेफरल एंड रिसर्च RR, NICD सोमनाथ रोड पर, ILBS बसंत कुंज इत्यादि 6 जगहों पर इसकी जांच हो रही है। कोई भी संक्रमित व्यक्ति पास के किसी डॉक्टर के पास जाए या अस्पताल में जाए, अगर उनको वो संदेह होता है तो वह इन रोगियों को इन लैबों पर, इन प्रयोगशालाओं पर जांच कराने के लिए भेज देते हैं। वहां जो सेंटर है जहां यह कलेक्ट किया जाता है, वहां के इसको कलेक्ट करने वाले कर्मचारी या डॉक्टर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट या पूरी तरह से गाउन पहनते हैं, जिसमें वो सर से पैर तक अपने आप को ढक लेते हैं, मुंह पर बड़ा कड़ा और तेज मास्क लगा रहता है, आंखों पर चश्मा चढ़ा रहता है, हाथों में ग्लव्स लगाए रहते हैं, और फिर वो एक साथ कई लोगों का नाक और गले से लकड़ी के प्रोब पर रुई लगाकर इसके सैंपल को लेते हैं, फिर वो एक ट्रांसपोर्ट मीडिया में उसको डाल देते हैं, और फिर उसको 3 लेयर पैकिंग करके डीप फ्रीज के अंदर जहां इसकी लैब है वहां पर भेजते हैं। सरकार ने पहले तो सिर्फ यूएसए FDA को अप्रूव किया था, मगर बाद में 6,000 किट जर्मनी से EUA की भी मंगवाई है।